जैसा ईमानदार दुनिया में नहीं हो सकता। इसको तू कहता ये चम्मच चुराएगा, इसने इतना बड़ा सोने का थैला असरफियों का, ऐसे कीमती सोने के सिक्के स्वर्ण मुद्राएं उनका परित्याग कर दिया, एक छोटी चम्मच चुराएगा ये व्यक्ति? इसको तो अभी तो मैंने पार्टी दी है। तो उसने भी अपने और अंगरक्षक बुला लिए, बोले साहब आपने इतनी बड़ी बात कह दी हमको, आज तक किसी ने नहीं कहा, तो इतना बड़ा धर्मात्मा है ये तो अपनी तलाशी क्यों नहीं देता? और एक आदमी ने आके पीछे से इस तरह से वो आया कि किसी को पता भी नहीं लगा, और उसकी पॉकेट में हाथ डाला और चम्मच निकाल के दिखा दिया, इसने चुराई थी, देखिए इनकी पॉकेट से निकली। अब जैसे वो चम्मच निकाली गई, घुड़सवार की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा भाई अगर तू तो मेरा थैला भी रख लेता तो इतना बड़ा दुख ना होता जितना दुख इस समय हुआ कि सबके सामने जिसको मैं इनाम दे रहा हूं और जिसके लिए मैं गुणगान गाता हुआ आ रहा हूं और मैं इतनी प्रार्थना करता आया हूं कि अगर मेरे घर में बच्चे भी कोई बने कुछ तो इस सब्जी वाले जैसे धर्मात्मा होने चाहिए, और तू एक चम्मच चुरा बैठा। इतनी देर में एक बाबा चलते हुए आगे आए, वहां पीछे बैठे थे, उठ के आए, उन्होंने कहा भैया इंसान ऐसा ही होता है, जब इसके अंदर सात्विक संस्कार होते हैं तो इससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, और जब इसके अंदर वो तामसिकता आ जाती है, आदमी के अंदर का शैतान उस समय जाग जाता है, और जब उसका शैतान जाग जाता है तो दान करने पर आए तो ये करोड़ों कर सकता है, और जब इसके शैतान जागता है तो सुई भी चुराने को तैयार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना कैसे कैसे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हर पल हमें अपने जीवन में धर्म को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन आदमी को इस सत्संग और धर्म गंगा में स्नान करते हुए अपने चित्त का शोधन करना चाहिए। भगवान का नाम इसलिए स्मरण करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर विकृति नहीं आए, नहीं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जब आप इतने ज्यादा विकृत हो जाते हैं कि बुरा करने को फिर अच्छा समझते हैं, फिर उसमें शर्म नहीं आती। जिसका काम कसाई का है वो कसाई का काम करते हुए उसको कोई शर्म नहीं आती, जो चोरी करने वाले लोग हैं उन्हें जो है चोरी की कोई शर्म नहीं आती, बल्कि ये बोलने लग जाते हैं कि चोरी करना जुर्म नहीं है, जुर्म तो पकड़े जाना है, आपको ऐसी कला सीखनी है पकड़े ना जाओ, और वो दूसरों को ट्रेंड करते हैं फिर कि पकड़ा वही जाता है जो कच्चा चोर है, जो पक्का चोर है पकड़ा ही नहीं जाता, वो तो ऐसे ढंग से चोरी करता है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तो ये ट्रेंड करते हैं लोग, फिर शर्म नहीं आती। इसलिए धर्म के जितने भी लक्षण माने गए हैं, 10 लक्षण मनु ने कहे हैं, लेकिन 33 लक्षणों का जहां वर्णन आया है उनमें एक शब्द है हृ, हृ का अर्थ होता है लज्जा। जब आदमी को शर्म आती है कि मैं ये क्या करने लगा हूं, जब तक आप बुरे के लिए शर्मिंदा होता रहता है तब तक उसके अंदर धर्म कहीं ना कहीं टिका रहता है, और जब वो शर्म बेच खाता है ना, अब धर्म की उम्मीद गई, अब तो अधर्म ही चलेगा, इसलिए उसे कोई लिहाज नहीं होता। बड़े बैठे हैं बैठे रहे, वो सबके सामने कुछ भी बोलेगा। दुर्योधन ने यही तो किया, उसे बड़ों की शर्म नहीं थी, इसलिए तो भाई को बोला कि द्रौपदी को घसीटते हुए लेकर के आओ, और जितना उसने कड़वा बोला था आज उसे सबके सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करो, और कैसे वो बाल पकड़ के खींच के लेकर आया कुल वधु को, अपने खानदान की बहू को राज दरबार में घसीट कर लाए, और फिर कहता है इसके कपड़े खींच कर फेंक दो, इसे इतना अपमानित करो कि रोए गिड़गिड़ाए, इसकी जो जबान चलती थी आज उसका जवाब मिलना चाहिए। आप सोचिए
किस तरह आदमी हो जाता है, शर्म नहीं रहती फिर। बड़े क्या कहेंगे, भीष्म बैठे हैं सामने, द्रोणाचार्य बैठे हैं, इतने बड़े बड़े घर के लोग, लिहाज है किसी का? न भगवान का डर है, न धर्म का डर है, न बड़ों का डर है। आज समाज में यही तो एक दुखद बात है। हमारी आने वाली पीढ़ियां जैसी होनी चाहिए, उनमें जहां कमी आ रही, शर्म गई, बड़ों का लिहाज गया। कोई भी आदमी कहीं खड़ा होके कोई भी हरकत कर रहा होगा, न रोकने वाला कोई, न टोकने वाला कोई। ये अधर्म जब बहुत बढ़ने लगता है तो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर परमात्मा कोई न कोई ऐसी दिव्यता उत्पन्न करता है कि जिससे वो विरोध करता हुआ समाज की धारा को बदलता है। तो ऐसे में कोई गरीब घर में भी ऐसा अच्छा आदमी अच्छाई के लिए लड़ने वाला होता है, कोई राज परिवार में होता है, कोई सत्ता में होता है, कोई अध्यापक हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है। किसी के अंदर भी भगवान किस रूप में अपनी शक्ति को प्रकट करे, लेकिन ये कि परमात्मा साक्षात रूप में कोई आकार लेकर आए, वो हर युग में आए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हर युग में आने का वचन देता हूं, लेकिन रोज रोज तो भगवान नहीं आएंगे ना। रोज रोज तो आप और हमारे अंदर ही भगवान प्रकट हो, और हमें मौका देते हैं भगवान। कोई सड़क पर पड़ा है और उसको एक्सीडेंट में खून बह रहा है, और कोई आए और बचाकर ले जाए, तो बस समझ लीजिए जब वो बच जाता है तो क्या कहेगा, भगवान का ही रूप लेकर कोई इंसान आया था और मुझे बचा के गया। तब आप के अंदर भगवान ही प्रकट हुए, तब समझ लीजिए कि आपको भी एक मौका मिला अवतार बनने का, आपको भी एक अवसर मिला कि आपके अंदर परमात्मा कुछ समय के लिए प्रकट हुआ। और अगर इस तरह के कोई भी बड़े कार्य आप करते हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको ऐसे अवसर देकर अपना प्रिय पात्र बना रहे हैं कि आप इस तरह का महान कार्य करें। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी देह का ये रूप तो जरूर हम लोग अपनाएं कि हम रहे न रहें, लेकिन हमारी देह के कोई अंग भी अगर किसी के काम आते हो, आँख काम आ जाए, हार्ट काम आ जाए, लीवर काम आ जाए, कोई भी शरीर का अंग अगर किसी को जीवन देने के काम आ सके, किसी की आँख बनकर हमारी आँखें उसको देखने के लिए उसके काम आ सके, तो एक बड़ा कार्य तो आप ऐसा करके जाएंगे ना। कि शरीर को तो राख होना ही है, लेकिन राख होते होते शरीर में भी आप अपनी आंखें छोड़ गए, जो कुछ साल तो दुनिया में देखेंगे। आप अपना दिल छोड़कर गए कि जो किसी के शरीर में धड़केगा और उसको जिंदगी देगा। ये सब चीजें आसान नहीं है, क्योंकि मोह सामने आएगा। गीता में मोह को ही तो हटाने की बात कही ना, मोह सामने आएगा। घर के लोग कहेंगे आंखें निकाल ली गई तो कैसा दिखाई देगा, हम अपने पिताजी को, हम अपनी माताजी को ऐसा क्यों करेंगे। लोग भूल जाते हैं कि कहीं ये आंख नहीं ऐसी नहीं निकलती, आंखें तो पलके तो बंद ही रहती, अंदर का जो गोलक लेकर जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेहरा विकृत नहीं होता। वैसे ही पलकें बंद दिखाई देंगी, वैसा ही चेहरा दिखाई देगा जैसे होता है। लेकिन मन में रखो तो सही कि मरणोपरांत हमारी आंखें किसी के काम आए, हमारा कोई अंग प्रत्यंग काम आए, हमारा धन कुछ को जिंदगी देने के काम आए, कुछ तो ऐसी चीजें करें। तो इसलिए एक परंपरा थी हमारे देश में कि हर महीने अपनी कमाई को खर्च करने से पहले भगवान को भोग लगाओ, कुछ हिस्सा निकालो, धर्म के लिए रख दो। तो उसको बोलते हैं धर्मादा सेवा। और जब रोटी बनती है चूल्हे पर तो एक टुकड़ा उसमें से, कुछ तो छोटी सी रोटी बनाते हैं, क्योंकि हम तो अपने घर में अपनी
माँ को देखते थे, छोटी सी रोटी बनाते थे, माँ छोटी रोटी बनाए तो हम लोग खड़े रहते थे, हमको लगता था छोटी रोटी हमको ही मिलेगी। लेकिन वो क्या करती थी, उसमें थोड़ा घी डाला, फिर मीठा डाला और फिर अग्नि में पता नहीं क्या बड़बड़ाती थी मुंह में, उसका मंत्र तो हमको नहीं मालूम, लेकिन कुछ बोल कर फिर जो है अग्नि को देती थी। और जब हम हैरत से देखते थे तो हमारे सिर पे हाथ रख देती थी, दोनों दोनों हाथ रख के आशीर्वाद देती थी। इतनी दुआएं माँ बाप की, वही तो आपको आगे ले जाती हैं। तो भोजन करने से पहले अपना भोजन भी तैयार हो रहा है तो एक आहुति अग्निदेव को देकर, क्यों, अग्निर्वई मुखम देवानाम, देवताओं का मुख है अग्नि, अग्नि को आपने आहुति दे दी, वो पूरे देवताओं तक पहुंच जाएगी, सब जगह पहुंच जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं, भगवान का प्रसाद बन जाए हमारा भोजन और खाने वाले जो लोग हैं घर के उनके अंदर भी दिव्यता आए, धर्म आए, अच्छे इंसान बने, भगवान के आशीर्वाद उनके ऊपर रहे। कितनी अच्छी भावना। कमाई आई, कमाने में कितनी गलतियां होती हैं इंसान की, बहुत बार किस किस तरह से कमा के लाता आदमी, लेकिन उस कमाई का कुछ भाग गुरु के जो धर्म यज्ञ होते हैं ना, जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, नौ तरह की धर्मादा सेवा मानी जाती है ना, अनाथ भी आ जाते हैं उसमें, उसी में मंदिर निर्माण आ जाता है, उसी में भंडारा आ जाता है, उसी में सत्संग आ जाता है, उसी में गौ सेवा आ जाती है, उसी में पुस्तकालय आ जाता है, उसी के अंदर हॉस्पिटल आ जाते हैं, उसी में आ जाते हैं ये जो लाचार बेबस भीख मांगते हुए जो बच्चे हैं वो भी उसी में आ जाते हैं। तो नौ तरह की चीजों के लिए जब आदमी आहुति देता है तो उसको कहते हैं धर्मादा सेवा। तो इससे क्या होता है, ये होता है कि आपका मासिक रूप से घर में बरकत बनी रहे, आवक बनी रहे, काम चलते रहे, हाथ खाली न रहे, और जो आपके लिए आवश्यक बहुत जरूरी चीजें हैं उनकी पूर्ति परमात्मा कराता रहे, क्योंकि धर्म की रक्षा हमने करनी है और फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो ये नहीं, उसके बाद कहते हैं कि जब तुम रिटायर होने की स्थिति में पहुंच रहे हो तो आदमी सोचता है बच्चों की शादियां ब्याह सब कुछ हो के मैं फ्री हो जाऊं, मकान वकान सब बन गए, अपने लिए भी थोड़ा इकट्ठा कर लिया और अब तो बच्चों की जिंदगी आगे चलेगी, पोते वोते का मुंह देखने का मौका मिल जाए, ये सब लोग सोच रहे होते हैं। उसी समय कहते हैं कि तुम आगे कमा पाओगे, कितना कमा पाओगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अब एक कमाई जरूर करनी चाहिए, अपने हाथ से धर्म का दान का बगीचा लगा के जाओ, एक पेड़ी से ही। तो लोग क्या करते थे, पुराने लोग, कहीं किसी धर्म स्थल में, गुरु का स्थान हो, तीर्थ स्थान हो, कोई भी पवित्र स्थान हो, वहां पर कोई धर्मशाला बनवाता था, कोई धर्मशाला में कमरा बनवाता था, कोई प्याऊ बनवा देता था, अपनी कमाई से कोई एक चीज बनवा दे। अब वहां जितना धर्म कर्म होता रहेगा उसका पुण्यांश उसके खाते में जुड़ता रहेगा, और वो मर के भी कहीं चला जाए तो जिस योनि में होगा वहां भी उसके खाते में पुण्य जमा होता रहेगा। तो उसने तो पीढ़ियों तक के लिए भी भला कर लिया, जन्मों के लिए भी भला कर लिया, क्योंकि बाग लगा के चला गया। महीने महीने का जो दिया जाता है ना वो तो महीने महीने में फायदा देता है, और जो कोई ऐसी चीज बनवा दी गई उसमें जितना, कोई मंदिर बनवा दिया आपने, कोई गुरुकुल बनवा दिया, कोई उपदेशक विद्यालय बनवा दिया, कोई पुस्तकालय बनवा दिया, कोई आपने भोजनालय बनवा दिया, कोई गौशाला आपने बनवा दी, कोई भी धर्म की चीज, कोई छोटी डिस्पेंसरी बनाई, बड़ा हॉस्पिटल बनाया, धर्मशाला बनवाई, जितना भी वहां पुण्य सत्कर्म होता रहेगा उसका अंश किसी भी योनि में आप हैं, उस योनि में
लाभ मिलता रहेगा। और कितना मिलता है, बड़ा हैरानी की बात है। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पूरी जिंदगी के कर्म बुरे थे, बस एक ही गुण अच्छा था कि तुम दान पुण्य करते रहे, तो मर के इंसान तो बने नहीं, बन गए जानवर। अब दिए हुए का क्या होगा, का दिया हुआ भी तुम्हारे जानवर बनने के बाद भी तुम्हारे काम आएगा। कैसे? एक जानवर तो वो है जो गली में डंडे खाता है, एक जानवर वो है जिसको साहब जी पालते हैं, खिलाते हैं, और बीमार हो जाए तो डॉक्टर को भी बुलाते हैं, खुद सोने से पहले उसको सुलाते हैं और गली में टहलाने भी जाते हैं। तो क्यों भाई, जानवर तो सब बराबर, एक को इतनी सुविधा क्यों मिल रही है? क्योंकि पता नहीं ये सेठ जी पहले कितना दान पुण्य करके आए हैं, इसलिए अब इनकी सेवा हो रही है। समझ में आ रहा है ना आपको? इसलिए किया हुआ तो आगे आएगा। घोड़ा बने, कुत्ता बने, बैल बने, गऊ बने, कुछ भी जानवर बन जाए, पक्षी बन जाए, उसका दिया हुआ उसके आगे इस रूप में आएगा कि उसकी इतनी सेवा और इतना ध्यान रखा जाएगा। वो राजा ही रहेगा चाहे वो किसी भी योनि में है, क्योंकि दान आदमी को राजा तो बनाता ही बनाता है। काका आतरसी ने एक बड़ी मजाक वाली बात लिखी थी। उन्होंने लिखा कि बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो एक आदमी सिर के ऊपर लकड़ी का बोझ लादे चला जा रहा, नंगे पांव, पांव भी जल रहे हैं और सिर पर बोझ उठा रखा, गर्मी में पसीना खूब बह रहा। और इतनी देर में कार चलाती हुई एक महिला सामने से निकली और उसकी गोद में एक पिल्ला बैठा। पिल्ला समझते हैं ना आप लोग, वही कुत्ते का जो सुपुत्र होता है ना, उसको पिल्ला बोलते हैं। तो पिल्ले को गोद में लिए बैठी हो और एसी कार चलाती हुई जा रही है, और इधर आदमी जो है इंसान वो बोझ ढो रहा है, मतलब सिर पर लकड़ियों का बोझ, नंगे पांव जा रहा है। तो इसको देख के उन्होंने लिखा, पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोगे बोझ, जो इंसान के चोले में है वो तो बोझ ढो रहा है और पिल्ला कार में बैठा जा रहा है। पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ, भेद ना इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता, कह काका कविराय वर मांगत हूं चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु हमको भी बनाना पिल्ला। वो तो उन्होंने हंसने के लिए कह दिया, लेकिन ये तो आप देखिए ना कि किसी को एसी कार में बैठ के जाने का मौका मिल रहा है तो कुछ तो कर्म किया ना। इंसान नहीं बन पाया, बन गया जानवर, लेकिन उसका दिया हुआ तो कोई छीन नहीं पाया, वो तो आ गया, उसको वहां भी राजा बना के बैठा हुआ। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे ना रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें